तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर गाइस। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एक्सपेक्टेड पेपर रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मातृभूमि, लेकिन मात्र मूर्धा क्रम में आपका रा व्यंजन है। अगला है, संज्ञा का भेद नहीं होता, तो ऑप्शन सी निजवाचक जो होता है ये संज्ञा का भेद नहीं होता, ये सर्वनाम का भेद होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन ए वचन। नेक्स्ट है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला इसमें से कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन। दर्शन जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला है, हरी मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो रेखांकित पद जो है वो है आपका बहन को पुस्तक देता है, इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, चार ऑप्शन है इसमें से तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए कपूर, ये आपका क्या हो जाएगा तद्भव। अगला है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी सर्वज्ञ। अगला है, उत्थान शब्द का विलोम होता है, तो ऑप्शन ए पतन। अगला है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी सुधाकर। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। अगला है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय / कुल जनसंख्या, मतलब राष्ट्रीय आय / कुल जनसंख्या। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी सीमांत लागत। अगला है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेना निवृत्ति। अगला है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी इस्पात उद्योग। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो ऑप्शन ए आंतरिक आपात स्थिति। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन सी वेन सॉन्ग। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी राज्यपाल। निम्नलिखित में से द्रविण कजागम के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं, जिसमें पहला है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, और बी है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, और डी है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो ऑप्शन सी चावार्क।
भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए, दूसरा आएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर है चरण सिंह। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? तो पानीपत की पहली लड़ाई। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो भगत सिंह। आकस्मिक बाण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका गाइस आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन डी, राजस्थान। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है आपका, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, बंगलुरु। नेक्स्ट, मदर इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए, कैथरीन मेयो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं? तो राजकुमार शुक्ल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो हिंदू पैट्रियट। नर्मदा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए, सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है? तो सीमा कर, शुल्क। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए? तो ये है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। अगला है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो रूस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए, कनाडा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी? तो ऑप्शन ए, 7। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल। प्राचीन गणित पुस्तक सल्व सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाले किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? तो अल्फा एक्स। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? तो
3.6%। करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किस से अर्धित या रेटेड होता है? तो ऑप्शन बी शक्ति, या कह सकते हैं बिजली और वोल्टता। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन सी विद्युत रोधी कहते हैं उन्हें। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो असीमित होती है, इनफाइनाइट। वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि की तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ध्वनि की तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो गाइस ये देखिए, आपका लैम्डा जो है वो 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि लंबाई है ध्वनि की तरंग की लंबाई, और जो चाल है बी इक्वल टू क्या है 400, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमें ध्वनि की तरंग की आवृत्ति निकालनी है तो v इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, तो आवृत्ति आप n से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा b बटे लैम्डा, और मान पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी 500 हर्ट्ज। अगला है, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी दिष्टकारी कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या कह सकते हैं इंसुलेटर कौन सा है? कांच। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी अर्धचालक। धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो ऑप्शन बी वैद्युत क्षेत्र। एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल है? तो ऑप्शन बी पाई बटे 1800 रेडियन पर सेकेंड। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है? तो ऑप्शन बी स्टील। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है? तो गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए फर्मी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जिप्सम लवण। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन ए फ्लूओरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन, मतलब BR। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है? तो कल्टीजन। निम्नलिखित में से किस में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती? तो ऑप्शन बी क्लोनिंग में। अगला है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों के मुख्य प्रोटीन हैं? तो ऑप्शन ए मायोसिन। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी जगत। डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है? तो ऑप्शन बी म्यूकर। एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है, यदि आपतित कोण 60 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन ए √3/2। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया? तो ऑप्शन बी कोणीय संवेग का संरक्षण। एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? तो ऑप्शन ए हल्के पिंड की। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉम्सन। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है वह अनुभव करती है? ऑप्शन सी एक बल और एक बल आघूर्ण। अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है नमक। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है? तो ऑप्शन बी 1.5×10^23। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ऑप्शन बी सेलुलोज। कांसा, जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज, एक मिश्र धातु एलॉय है जिसमें होते हैं? तो ऑप्शन सी कॉपर और स्टेनस।
शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए महाधमनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।